वह बिहारी लेखक जिसे छायावाद का पांचवा स्तंभ कहा जाता है। इन्होंने महज 16 साल की उम्र में शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली थी। इस महान लेखक को बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से भी नवाजा गया था। गृह विभाग के गलत बयान के कारण पद्मश्री लेने से कर दिया था मना। बिहारी में जोड़ के आज के सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसने अपनी लेखन शैली से एक बड़ा मुकाम हासिल किया। इन्हें छायावादी कवि भी कहा जाता है। इन्होंने 16 साल की आयु में लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी पहली रचना से ही लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में इन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी। इसके बाद महाकवि निराला काफ़ी प्रेरित हुए और उन्हें हिंदी भाषा में लिखने को मजबूर किया। बिहार के इस महान रचनाकार का नाम है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म 5 फरवरी 1916 को औरंगाबाद के मैगरा में हुआ था। इनका विवाह मात्र 12 साल की उम्र में करा दिया गया था। उस समय वल्लभ शास्त्री उन थोड़े से कवियों में गिने जाते थे जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से बहुत मान सम्मान मिला था। साल 1930 में आचार्य श्री वल्लभ शास्त्री की संस्कृत की कविताएं संस्कृत की प्रतिष्ठित पत्रिकाएं संस्कृतम, सुप्रभातम और सूर्योदय में काफ़ी प्रकाशित हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई रचनाओं के प्रकाशन के बाद उन्होंने साल 1935 में मैट्रिक और साल 1938 में उन्होंने इंटर की शिक्षा प्राप्त की थी। वाराणसी में रहते हुए उनकी मुलाकात उस समय के छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाने वाले निराला से हुआ था। जब आचार्य जी 16 साल की उम्र में संस्कृत काव्य संग्रह की रचना कर दी थी तब निराला ने कहा था कि आप हिंदी में कविताओं की रचना करें। संस्कृत के इतिहास को अगर देखेंगे तो नागार्जुन और जानकी वल्लभ को देश में नवजागरण काल का प्रमुख संस्कृत कवि माना जाता है। आचार्य जी की कालकी संकलन पढ़कर हिंदी के प्रसिद्ध कवि निराला काफ़ी प्रभावित हुए थे। वैसे तो छायावाद में 4 कवियों का जिक्र होता है, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, लेकिन 5वां नाम लिया जाता है जानकी वल्लभ शास्त्री जी का। इनकी रचना किसने बांसुरी बजाई काफ़ी लोकप्रिय हुआ था जिसके बाद उन्हें छायावाद का पांचवा स्तंभ कहा जाने लगा था। शास्त्री जी ने हमेशा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपना प्रेरणा स्रोत माना है। निराला के ही कहने पर शास्त्री जी हिंदी में रचनाओं को लिखने लगे और बाद में जब उनकी रचनाएं सामने आई तो उन्होंने निराला के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया। शास्त्री जी ने हिंदी की लगभग सभी विधाओं में अपनी रचनाओं को लिखा जिसमें उन्होंने कविता, गीत, नाटक, कहानी, संस्मरण, समीक्षा और आलोचना आदि पर अपनी लेखनी चलाई थी। अगर उनकी प्रमुख रचनाओं को अगर हम देख ले तो राधा, एक किनार, सौ झंझाइया, दो तिनका का घोंसला, कालिदास, कांकन अपर्णा, लीला कमल, सत्यकाम, बांसों का झुरमुट, अजंता की ओर, निराला के पत्र, हंस बलाका। शास्त्री की रचनाएं इतनी सरल होती थी कि वह आम लोगों की पकड़ में बहुत ही जल्द आ जाती थी। उन्हें पढ़ना बहुत ही आसान था। कहते हैं कि शास्त्री की लेखनी और निराला की लेखनी को पढ़ना बहुत ही सरल था। बहुत ही आसानी से इन दोनों को रचनाओं को आप पढ़ सकते हैं। अपने एक साक्षात्कार के दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया था कि वे महज 18 साल की उम्र में आचार्य की डिग्री हासिल कर लिए थे और उस समय अखबार में खबर छपी थी जिससे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसी दौरान शास्त्री ने कालकी रचना खूब चर्चा में आई थी और इस रचना को पढ़ने के बाद निराला शास्त्री जी को खोजते हुए काशी पहुंच गए। निराला का यह प्रेम देखकर शास्त्री जी भाव विभोर हो गए थे जिसके बाद शास्त्री जी ने मुजफ्फरपुर स्थित अपने घर का नाम निराला निकेतन रख दिया था। इस निराला निकेतन के अंदर में एक कमरा है जिसका नाम है पृथ्वीराज। इस नाम के पीछे भी एक राज छिपा हुआ है। दरअसल शास्त्री जी ने किसने बांसुरी बजाई गीत को लिखा था तो पृथ्वीराज खुद उनसे मिलने आए थे। पृथ्वीराज के बारे में आपको बता दें कि ये बॉलीवुड में एक बड़े निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं और इसी कमरे में बैठकर उन्होंने ढेर सारी इन दोनों के साथ बातचीत की थी। उन्हें की याद में वल्लभ शास्त्री ने इस कमरे का नाम पृथ्वीराज रख दिया। जानकी वल्लभ शास्त्री का जितना प्यार अपनी लेखनी से था उतना ही प्यार उन्हें पशुपालन से भी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे एक महान पशुपालक भी रहे थे। उन्हें पशुओं से बहुत प्यार था। वे अपने कमरे में कुत्ता, बिल्ली, गाय की हमेशा रखते थे वो अपने साथ में। वे हमेशा जीवों के प्रति संवेदनशील रहे। जब वे छोटे थे तो उनके पिता रामानुज शर्मा का निधन हो गया था। उन्हें बचपन से ही पशुओं के साथ अपना एक लंबा समय बिताया था। उनका उन पशुओं से प्यार इतना था कि जब उनकी मौत हो जाती थी तो उन्हें बाहर नहीं ले जाने देते थे, उसे घर के परिसर में उन्हें गाड़ दिया जाता था।
जानकी बल्लभ शास्त्री को उनकी रचनाओं के लिए कई सम्मान से नवाजा गया था, जिसमें दयावती पुरस्कार, राजेंद्र शिखर सम्मान, भारत भारती सम्मान, साधना सम्मान, श्री पूजन सहाय सम्मान। जब उन्हें बिहार का साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया तो उस अवसर पर उन्होंने बेवाक्य से कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ, खिलौना देकर बहलाया गया हूँ। साल 2010 में जब भारत सरकार ने आचार्य जी को पद्मश्री देने की घोषणा की तो उन्हें लगा कि चलो कुछ तो साहित्य का सम्मान हुआ। लेकिन गृह विभाग ने उनसे पूछा कि आप अपने बायोडाटा में बताएं कि आपकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तब उन्हें बुरा लगा और उन्होंने कहा कि जब मेरी रचनाओं के बारे में ही आपको पता नहीं है तो आप पद्मश्री देने का क्या फ़ायदा। उन्होंने अस्वीकार लिखकर वह पत्र भारत सरकार को लौटा दिया था। बिहार का यह महान हस्ताक्षर 7 अप्रैल 2011 को मुजफ्फरपुर के अपने निवास निराला निकेतन में अंतिम सांस लिया। इस दिन छंद युग का अंत हो गया, रह गया तो बस शास्त्री का नाम और उनकी रचनाएं, जो आने वाले दिनों में लोगों के दिलो दिमाग पर रची रहेगी, बसी रहेगी। और चलते चलते आपसे एक सवाल कि जानकी बल्लभ शास्त्री की कौन सी रचना आपको सबसे ज़्यादा याद आती है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।